अगली बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। आपको बता दें, सर्वदलीय बैठक होने जा रही है, विधायक दल की बैठक होने वाली है। बीजेपी कांग्रेस के विधायक दल की बैठक आज, सत्र को लेकर पार्टियां बनाएंगी अपनी रणनीति। कल से शुरू हो रहा है मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र। सत्र में नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई जानी है शपथ। विधानसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी होना है चुनाव। खबर भोपाल से इस वक्त की, कांग्रेस के विधायक दल की बीजेपी कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज, सत्र को लेकर पार्टियां बनाएंगी अपनी रणनीति। कल से शुरू हो रहा है मध्य प्रदेश का विधानसभा शीतकालीन सत्र। सत्र में नव निर्वाचित विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। विधानसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी होना है चुनाव। खबर भोपाल से इस वक्त की बता दें आपको, बीजेपी और कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज होनी है। सत्र को लेकर पार्टियां बनाएंगी अपनी रणनीति। कल से शुरू हो रहा है मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र। सत्र में नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई जानी है शपथ। विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चुनाव भी होना है। खबर पर बात करेंगे, राजेश सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए, मध्य प्रदेश स्टेट हेडक्वार्टर जी। बीजेपी कांग्रेस दल विधायक दलों की आज बैठक है, शीतकालीन सत्र होना है, उसको लेकर रणनीति और उसमें मंथन होना है, क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? देखिए कुमार, निश्चित तौर पर जिस तरह से कल से यानी 28 तारीख से मध्य प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और काफी अहम ये सत्र माना जा रहा है कि कोरोना काल के चलते लगातार सत्र जो हुआ है या तो बहुत छोटा हुआ है या फिर हो नहीं पाया है और यही कारण है कि ये इस बार का सत्र काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और दूसरा, अभी अध्यक्ष का चुनाव होना है, उपाध्यक्ष का चुनाव होना है, इस लिहाज से भी ये सत्र महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, विपक्ष की बात करें, तो विपक्ष तमाम सारे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। चाहे किसानों का मुद्दा हो, जिस तरह से कांग्रेस ने कहा है कि कृषि बिल को लेकर वो ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा पहुंचेंगे, यानी कि इसके जरिए वो विरोध करेंगे। दूसरी तमाम अन्य तरह की, चाहे कोरोना काल की स्थिति को लेकर हो या फिर किसानों की समस्या हो या अन्य तमाम सारे मुद्दे हो जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, ये प्रमुख मुद्दे होंगे। दूसरी तरफ सरकार की पूरी कोशिश होगी कि विपक्ष के हर हमले का जवाब दिया जाए, तो सरकार ने भी अपने स्तर से रणनीति बनाई है और यही कारण है कि आज दोनों बीजेपी और कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो रही है और बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी सत्र को लेकर। 3 दिन का सत्र है, छोटा सत्र है और सरकार जरूरी जो काम काज है उनको निपटाने की कोशिश से करेगी। दूसरी तरफ जिस तरह से धर्म स्वतंत्र विधेयक कल ही कैबिनेट में पास हुआ है लव जिहाद के खिलाफ, उसको सरकार सदन में पास कराना उसकी प्राथमिकता होगी। इसके अलावा अन्य जो विधेयक है उनको पास कराना प्राथमिकता होगी। तो कुल मिलाकर ये सत्र छोटा जरूर है लेकिन कुल मिलाकर काफी महत्वपूर्ण ये सत्र है दोनों लिहाज से, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें चाहे विपक्ष की हम बात करें। और कल से इस सत्र की शुरुआत हो रही है और 30 तारीख तक ये सत्र चलेगी। चलिए, जुड़ने के लिए तमाम के लिए आपका शुक्रिया जी। तो खबर भोपाल से, बीजेपी कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक होनी है। 28 दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, उसको लेकर चर्चा होगी, मंथन होगी। और जिस तरह से किसान एक बड़ा मुद्दा है, धर्म स्वतंत्र विधेयक को लेकर प्रस्ताव आज 28 तारीख को होने वाले सत्र में सरकार पेश करेगी। अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद को लेकर भी कहा जा रहा है कि चुनाव हो सकता है।